वे सभी बच्चे जो 2021 की आठवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है स्टूडेंट्स झारखंड अधिविध परिषद का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपकी आठवीं बोर्ड परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि आपको कुल पांच विषयों की परीक्षा में शामिल होनी है और ये पांचों विषयों के लिए आपका प्रश्न पत्र एक ही होगा इन पांच विषयों में पहला विषय हिंदी होगा जिस पर बीस प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो ढाई अंकों का होगा इस प्रकार से आपको हिंदी के लिए पचास अंक की परीक्षा देनी है प्रश्नों की संख्या बच्चों बीस ही होगी सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे उसी तरह से अंग्रेजी में भी बीस उसके बाद मैथ में बीस साइंस में बीस और सामाजिक विज्ञान में भी बीस इस प्रकार से कुल सौ प्रश्न होंगे बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों का जो सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहले हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे यानी बीस सवाल हिंदी वाले एक से बीस तक हिंदी का सवाल इक्कीस से चालीस तक अंग्रेजी का सवाल फोर्टी वन से सिक्सटी तक गणित सिक्सटी वन से एट्टी तक विज्ञान और एट्टी वन से सौ यानी इक्यासी से लेकर सौ तक सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और जैसा कि मैं बता दिया कि प्रत्येक प्रश्न की जो अधिमानता होगी उसका जो वेटेज होगा वो ढाई अंकों का होगा तो इस प्रकार से सभी विषयों के लिए सभी पांच विषयों के लिए पचास पचास अंक यानी कुल दो सौ पचास अंकों की परीक्षा में आपको शामिल होना है याद रखिएगा कि सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे प्रश्न पत्र एक ही होगा एक प्रश्न होगा और आपको ओ एम आर सीट उपलब्ध कराया जाएगा उसी ओएमआर सीट पर आपको परीक्षा देनी स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं झारखंड अधिविध परिषद द्वारा तैयार किया गया आठवीं बोर्ड परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र देखिए सबसे पहले आपको यहाँ हिंदी देखने को मिलेगा अब ध्यान से देखिए दो हज़ार इक्कीस कक्षा आठवीं देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कक्षा आठवीं विषय हिंदी सेट वन अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूर्णांक कितना है पचास है और आगे देखिए प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता कितना है टू पॉइंट फाइव अंकों की है यानी कि एक प्रश्न सही होगा तो आपको ढाई अंक मिलेंगे देखिए ये हिंदी है शुरुआत हिंदी से है और हिंदी में क्या है पहले एक पैसेज दिया हुआ है एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके बाद उसमें से तीन प्रश्न पूछे पूछे गए हैं और तीन प्रश्न कैसे पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ ध्यान से देखिए प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन हैं दिनकर माझी दशरथ माझी जनक माझी या अरविंद मांझी तो इन चारों में से कोई एक उत्तर सही होगा उसमें आपको गोल घेरा लगाना होगा ठीक है बच्चों और इसी तरह से देखिए सभी प्रश्न इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे कोई प्रश्न लंबा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे गणित जैसे जो विषय हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन उसको थोड़ा रफ में बनाना पड़ेगा देखिए दो नंबर प्रश्न दशरथ माझी की जीवन साथी कौन थी फागुनी देवी फागन देवी फूली देवी या फगुआ देवी तो ये तो हिंदी का सवाल है अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे देखिए एक दो तीन हुआ तीन के बाद देखिए यहाँ पे चार पाँच छः ठीक है बच्चों उसके बाद देखिए सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस यानी बीस तक आपने देख लिया ये बीस सवाल जो हैं वो हिंदी के हुए देखिए शुरू से मैं फिर से दिखा देता हूँ ये बीस सवाल जो हैं ये हिंदी के हैं जैसे ही हिंदी समाप्त होगा बच्चों देखिए यहाँ शुरू हो जाएगा इंग्लिश अब यहाँ ध्यान से आप देखिए क्या लिखा हुआ है क्लास एट सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश सेट वन टू थाउजेंड ट्वेंटी सेट वन इसलिए लिखा हुआ बच्चों की और भी सेट उपलब्ध कराया जाएगा ये पहला सेट हुआ और भी सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा बाजार में भी कुछ पुस्तकें मिल सकती है अलग अलग सेट वाली आपके शिक्षक विद्यालय के शिक्षक भी दे सकते हैं इसमें देखिए फुल मार्क्स फिफ्टी ईच क्वेश्चन कैरी टू पॉइंट फाइव मार्क्स टू इस टू फाइव मार्क्स यहाँ लिखा हुआ ऐसा नहीं टू पॉइंट फाइव होगा होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है दो और पाँच के बीच जो अनुपात का चिन्ह है ना वहाँ पे दशमलव का चिन्ह होगा चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है तो अब यहाँ से इंग्लिश देखिए शुरू हुआ इसमें भी सारे आप देखिए ऑब्जेक्टिव है एक पैसेज है पैसेज को पढ़ना है उसमें से सवालों के जवाब देने हैं इक्कीस नंबर से लेकर चालीस नंबर तक इंग्लिश होगा हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट्स है टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वन टू थ्री फोर इसमें से कौन सही है इसी तरह से देखिए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट देखिए ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे बच्चों हम लोग जाएंगे फोर्टी तक फोर्टी नंबर का सवाल क्या है नेम सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया भारत की जो पवित्र नदी है वो कौन है एक नंबर में लिखा है यमुना दो नंबर में लिखा है गंगा तीन में लिखा है गोदावरी और चार में लिखा है टेम्स नदी टेम्स नदी तो इंग्लैंड की नदी है भारत की है भी नहीं तो चलिए ये हो गया ट्वेंटी वन से फोर्टी तक हो गया इंग्लिश अभी देख लिए बच्चों आप फिर शुरू से देखिए देखिए ऊपर में यहाँ देखिए एक नंबर से लेकर के बीस नंबर तक हिंदी और उसके बाद इक्कीस नंबर से लेकर के सीक्वेंस बोर्ड की परीक्षा में भी यही होगा वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा ठीक है सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम ऐसा नहीं कि अंग्रेजी पहले और हिंदी बाद में नहीं हिंदी पहले तो हिंदी पहले उसके बाद इंग्लिश तो इंग्लिश ठीक है इसी तरह से होगा अब आ जाइए आठवां बोर्ड का गणित गणित जो होगा फोर्टी वन से लेकर सिक्सटी नंबर तक आप यहाँ देखिए क्लास एट मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 गणित मैथ सेट वन सेट वन क्यों लिखा है क्योंकि और भी सेट उपलब्ध कराया जाएगा इधर देखिए क्या लिखा है पूर्णांक पचास प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता टू पॉइंट फाइव अंकों की है देखिए यहाँ ठीक लिखा हुआ टू पॉइंट फाइव एक नंबर में एक सवाल बनाइएगा सही टू पॉइंट फाइव मार्क्स मिलेंगे एक गलती हो जाएगा शून्य मार्क्स मिलेगा ठीक है तो इस तरह से देखिए अब यहाँ से गणित शुरू हो गया अब बच्चों इसमें से कुछ गणित ऐसे हैं जो आपको उसके लिए आपको रफ कागज़ मिलेगा आप उसको कॉपी में बनाइएगा और फिर चिन्ह कहाँ लगाइएगा ओ एमार्क शीट में देखिए बच्चों ये क्वेश्चन पेपर है इसमें नहीं चिन्ह लगाना है चिन्ह आपको ओ एम शीट मिलेगा है ना परीक्षा में ओ शीट मिलेगा उसमें आपको चिन्ह लगाना है तो फोर्टी वन से लेकर के देखिए सिक्सटी तक मैथ हो गया अब इसके बाद क्या होगा मैथ के बाद क्या होगा मैथ के बाद विज्ञान होगा है ना साइंस होगा देखिए फिर से यहाँ से देख लीजिए एक चालीस से लेकर के एक चालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन संतावन अंठावन उनसठ साठ संतावन नंबर में क्या लिखा हुआ है एक स्कूटी का अंकित मूल्य अस्सी हज़ार रुपया है बीस प्रतिशत प्रतिशत जी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य कितना होगा एक में लिखा है अंठानवे हज़ार दो में लिखा है निन्यानवे हज़ार तीन में नब्बे हज़ार चार में छियानवे हज़ार तो इसी तरह से प्रश्न है साठ नंबर तक हो गया मैथ अब आ, आगे देखिए यहाँ पे अब शुरू होगा विज्ञान वर्ग अष्टम परीक्षा 2021 विषय विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र का मतलब हुआ बच्चों की इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में हो सकता है इस प्रश्न में जो इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से भी पूछे जा सकते हैं लेकिन हु बहू यही प्रश्न उठा के दे दिया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है इसमें भी देखिए वैसे ही लिखा है पूर्णांक पचास प्रत्येक की अधिमानता अंकों की है तो अब यहाँ पे देखिए धातुएं सामान्यता किस रंग की होती है लाल रंग हरा रंग पीला रंग की भूरा रंग अब आपको बताना है आपके विज्ञान के शिक्षक जो कुछ भी आपको पढ़ाए हैं या फिर आपने जो पढ़ा है है ना इसीलिए कहा गया है कि लॉकडाउन में भी सबको पढ़ाई करना है और लॉकडाउन में भी हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े रहना है पाठ्य पुस्तक सभी बच्चों को मिला है सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे पढ़ना चाहिए तभी वो उन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे अब सिक्सटी वन से चालू हो गया विज्ञान देखिए बासठ नंबर में क्या लिखा है में उषमा की होती है सुचालक की कुचालक की अल्पचालक कि इनमें से कोई नहीं ठीक है इसी तरह से तिरसठ नंबर में सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वायु में पानी में सभी जीवित वस्तुओं में उपयुक्त सभी जगहों पर तो बच्चों जिस जिसका जो उत्तर सही होगा सो लिखना है कोई एक ही उत्तर सही होगा एक से ज़्यादा उत्तर सही नहीं होगा चौंसठ में देखिए कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है ट्यूबरक्लोसिस लैक्टोवेसिलस प्रोटोजोआ पैरामिशियम इसी तरह से बच्चों सिक्सटी वन से लेके एट्टी तक देखिए ये सारे प्रश्न विज्ञान के हैं इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ सट, उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी नंबर अस्सी में क्या है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है कौन पृथ्वी की बुध की बृहस्पति की शुक्र आप सोचिए कि कौन बड़ा है अब हो गया अस्सी तक तो खत्म अब एटी वन यानी इक्यासी से शुरू होगा सामाजिक विज्ञान देखिए वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस वर्ग अष्टम या आठवां का लिखा हुआ है विषय सामाजिक से विज्ञान सेट वन राइट हैंड साइड में लिखा है पूर्णाक पचास प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता टू पॉइंट फाइव अंकों की है अब देखिए इक्सी नंबर से लेकर के सौ नंबर तक यही आपका देखिए यहाँ लास्ट हो जाएगा बच्चों इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं होगा इक्यासी में लिखा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था अठारह में उन्नीस में सोलह में सत्रह में तो देखिए सत्रह में तो पलासी की लड़ाई हुई थी उन्नीस में क्यों होगा उन्नीस में तो देश आज़ाद हो गया था उन्नीस में ही देश आज़ाद हो गया था तो उन्नीस में तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे है ना तो सिपाही विद्रोह उस समय नहीं ना हुआ तो अंग्रेजों के समय में हुआ था कब अट्ठारह में हुआ था सोलह सौ तो अंग्रेज उस समय शासन नहीं करते थे भारत में उसी तरह से देखिए और भी सवाल इसमें है नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए है ना इक्नवे नंबर में देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है चीन पाकिस्तान नेपाल की भूटान माने चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है चीन में कि पाकिस्तान में कि नेपाल में कि भूटान में बानवे नंबर में देखिए काला सोना किसे कहा जाता है कोयला को पेट्रोलियम और इससे बने पदार्थ को अबरक को कि प्राकृतिक गैस को जिससे जिसको काला सोना बनते हैं बोलते हैं उसमें आपको टिक लगाना है संविधान तिरानवे नंबर में देखिए संविधान के अनुसार कितने वर्ष के से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है यानि कि अपराध है ग्यारह बरस तेरह बरस बारह बरस चार बरस बच्चों यहाँ तो सब सब कुछ गलत लिखा हुआ है कितने बरस से कम उम्र के बच्चों से यहाँ चार बरस जो लिखा है ना बच्चों यहाँ चौदह बरस होगा है न चौदह बरस से कम चौदह बरस ही होगा यहाँ चार बरस गलत लिखा हुआ फिर देखिए बाल विवाह क्या है सामाजिक बरदान है कि सामाजिक अभिशाप है कि ईश्वर की इच्छा है कि मानव तस्करी है सामाजिक अभिशाप होगा है ना भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है अठारह बरस है मैंने अठारह बरस का व्यक्ति जो है वोट दे सकता है इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ेंगे देखिए अंठानवे नंबर में कोरोना वायरस के मामले पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी बीजिंग में शंघाई में वुहान में कि इस्लामाबाद में बच्चों वुहान में हुई थी वुहान चीन का एक शहर है वुहान देखिए यहीं पे हुई थी कब हुई थी ये हुई थी नवंबर उन्नीस दो हजार उन्नीस को अभी तो एक साल हो गया है ना विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मानव कैसा प्राणी है सामाजिक असामाजिक शहरी की जंगली तो इस तरह से बच्चों कुल सौ प्रश्नों का जो है सेट आपको दिया जाएगा आठवीं बोर्ड की परीक्षा के इसी तरह के सवाल होंगे आप इसको ध्यान से देख लीजिए आपको बुकलेट की शक्ल में जो है वो मिलेगा है ना परीक्षा में बुकलेट की शक्ल में क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपको पढ़ना है और उसके बाद ओ एम शीट में आपको गोला लगाना है उसमें चार चार गोले बने होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर एक का मान लीजिए एक जवाब ख नंबर सही है दूसरा नंबर सही है तो दो नंबर में आपको लगा देना है गोला और गलती से भी आप दो जगह गोला नहीं लगाइएगा कोई एक जगह गोला लगाइएगा और मार्कशीट में यदि दो जगह गोला लगा देंगे तो गलत ही माना जाएगा ठीक है और वह मार्कशीट में बच्चों मिटाने जैसी कोई बात नहीं होती है आप चाहेंगे कि चलो उसको हम इरेज़ कर देते हैं मिटा देते हैं और फिर से लिख देते वैसा नहीं होता है तो बच्चों इस तरह से आप लोग देख लिए है ना कुल प्रश्न कुल प्रश्नों की संख्या जो है सौ होगी और आठवीं बोर्ड के बच्चों को इस परीक्षा में शामिल होना है संभावित मतलब ये परीक्षा तो ऐसे होती है जन जनवरी महीने या फरवरी महीने में हो ही जाती है अब देखना है इस वर्ष कब होता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा फरवरी के लास्ट में या मार्च में परीक्षा हो ही जाएगी तो आप लोग तैयारी में लग जाइए तो बच्चों आठवीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र जो मॉडल प्रश्न पत्र जैक के द्वारा जारी किया गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया उसे मैंने पढ़कर आपको सुना दिया दिखा दिया आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र अपने शिक्षक से भी मांगना है आप आपको डी जी ग्रुप में जोड़ा गया होगा वहाँ भी ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे ठीक है बच्चों आपको ये प्रश्न पत्र कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं ध्यान दीजिएगा पहला ये प्रश्नपत्र यदि आप डी जी साथ के सा, का जो ग्रुप विद्यालय में बना हुआ है तो उस ग्रुप में ये पोस्ट कर दिया गया है वहाँ से लीजिएगा दूसरा आपके जो शिक्षक हैं शिक्षक से कहिएगा कि सर मुझे आठवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना है सन दो हजार इक्कीस की परीक्षा में अब उसके लिए सर मुझे मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए उसका प्रिंट आउट सर दिलवा दीजिए तो एक दूसरा तरीका हुआ उसका प्रिंट आउट मतलब कागज़ में आपको मिल जाएगा ठीक है बच्चों कोई एक बच्चा भी यदि उसका जरक्स करवा लेता है तो फिर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सबको वो उपलब्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से विद्यालय के जो भी सर हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय के शिक्षक और बच्चों ऐसा भी संभव है कि विषयवार जो शिक्षक अपने अपने विषय के आपको जो बीस प्रश्न हैं जैसे हिंदी वाले शिक्षक आपको हिंदी के बीस बीस प्रश्न उपलब्ध करवा देंगे इंग्लिश वाले इंग्लिश के मैथ वाले मैथ के इस तरह से आपको प्रिंटआउट बच्चों मिल जाएगा आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए बुक पे आप लोग ध्यान दीजिए जरूरी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कीजिए निश्चित रूप से आपको आठवीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और आप सफल होंगे और नौवीं कक्षा में आप निश्चित रूप से जाएंगे बच्चों लॉकडाउन से डरना नहीं है विद्यालय बंद हैं इससे भी नहीं डरना है हम लोग विभिन्न तरीकों से अनेक तरीकों से बहुत तरह के प्लेटफॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हुए पढ़ाई करवा रहे हैं बस आपके अंदर इच्छा शक्ति का होना जरूरी है और हम लोग इसमें असफल नहीं होंगे ठीक है बच्चों हिंद बच्चों जोहाग बच्चों